हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी विद अदिति इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंडोर स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर डबल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी ओके इट इज़ ऑल्सो नोन एज डबल रेजोनेंस टेक्नीक इन ई एस आर ठीक है ई एस आर या ई एम आर या ई पी आर बोल लीजिए इसका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एंडोर का जो कि बेसिकली एग्जाम में पूछा ही जाता है ठीक है तो आपको इसको क्राम नहीं करना है बल्कि सिंपल पॉइंट्स में समझना है एंड कंटिन्यूस वेव एंडोर की भी हम इसमें बात करेंगे ताकि आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएँ ठीक है बट सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट ताकि आपको फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे ठीक है प्रीवियस वीडियो में भी हमने ई एस आर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हर एक चीज़ डिस्कस कर ली थी और जो हमारा लास्ट टॉपिक रहता है मे बी या सेकंड लास्ट दैट इज एंडो ठीक है तो इसको मैंने आ, अपने हैंड रिटन नोट्स में बनाया हुआ है आप इसको चाहे तो वीडियो को पॉज कर करके साथ साथ में बना भी सकते हैं ठीक है तो एंडोर बेसिकली होता क्या है कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ठीक है सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है एंडोर मीन्स कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ठीक है इसको डेवलप किया था 1956 में और फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुआ था टू डिजोल्व द इंट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ इंट्रोडक्शन का पार्ट देखिए ताकि आपको माइंड में चीजें क्लियर हों कि ई एस आस्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या डिस्कस कर चुके हैं किस लिए वो यूज़ होती है ठीक है तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी अदरवाइज इन्हें क्रैम करने का कोई फायदा नहीं है ठीक है तो इसको जो डिवेल्प किया था वो नाइनटीन में किया था और फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था किस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए इंट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा ठीक है और इंडोर जो होता है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक है डिटरमाइन मॉलिक्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज ये तो हमें पता है कि हम पैरामैग्नेटिक स्पीशीज की ही बात करेंगे स्पेक्ट्रा में तो उसी को डिटरमाइन करता है ये इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर को ठीक है एंड एंडोर इज डिस्क्राइब्ड बाय टू स्पिन सिस्टम दो इसमें स्पिन सिस्टम रहते हैं वन इज़ इलेक्ट्रॉन एंड वन इज़ प्रोटोन ठीक है एंड इंट्रैक्टिंग करते हैं जब किसके साथ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ ठीक है और इंडोर जो होता है वो सिग्नल्स को बहुत क्लियरली हमें डिफाइन कर देता है ठीक है एग्जांपल की अगर हम बात करें तो नाइन टेन डाय मिथायल एंथ्रासी की अगर हम बात करें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसका स्पेक्ट्रा रहता है बट इंडोर क्या करता है कि मिथाइल ग्रुप्स को अलग कर देता है और सिग्नल्स को ब्रॉड कर देता है और क्लियर देता है ठीक है इस टेक्निक में हम ऑब्जर्व कर हैं कि माइक्रोवेव रेडिएशन विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड ठीक है कि किस तरह से सिग्नल्स की व्यर्थ रहेगी आ, पर ये बट और ये जो रेडिएशन हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वो किस पर डिपेंड करती हैं रिलैक्सेशन टाइम पे ठीक है तो ये तो आ गया बेसिक सी बात हमारी एंडोर के बारे में अगर अब हम बात करें कंटिन्यूस वेव एंडोर की ठीक है अगर आपको ये सिक्सटीन मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको ये अटैम्प्ट करना है पूरा ठीक है बट अगर आपको ये सिक्स या टेन मार्क्स में पूछा जाता है तो आप सिंपली एंडोर के बारे में भी लिख देंगे तब भी इनफ होगा ठीक है कंटिन्यूस वेव एंड एंडोर एक्सपेरिमेंट की हम बात करें तो एक सैम्पल को प्लेस करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड में और रेडिएट करेंगे उसको माइक्रोवेव रेडिएशन के साथ ठीक है ये पावरफुल एडवांस टेक्निक है जो हमें प्रोवाइड करवाती है ठीक है द इन्वायरमेंट सराउंडिंग द पैरामैग्नेटिक सेंटर की पैरामैग्नेटिक सेंटर के सराउंड में कैसा इन्वायरमेंट है ठीक है अब ये डिटरमाइन तो कर लेती है हाइपरफाइन इंट्रैक्शन की अनपेयर इलेक्ट्रॉन की हाइपरफाइन इंट्रेक्शन कैसी है सराउंड द न्यूक् बट अगर हमने जी जी वैल्यू की कैलकुलेशन करनी है तो ये इतना एक्यूरेटली प्रोवाइड नहीं करवा पाती है और इसका रीज़न ये है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है इन्वायरमेंट में क्योंकि पैरा हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो नेवर न्यूक्लियाई के साथ रिएक्ट कर जाते हैं या कपलिंग शो कर देते हैं तो उसकी वजह से जी वैल्यू प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं होती बट हाँ डिटर्मिनेशन हो जाती है हाइपरफाइन फाइन इंट्रैक्शन की ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोर आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक Thank you for watching!